भाई आजकल के बच्चों का मानना है कि हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना बोरिंग होता है। अब जैसे कि इस तोरी को ही ले लो, देखा जाए तो इसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल के बच्चे तो बच्चे, बड़े भी ये तोरी, घिया, कद्दू ऐसी न्यूट्रिशियस वैल्यू वाली सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते। भाई आज मेरे घर में बनी थी ये तोरी की सब्ज़ी, जिसे मेरे बच्चों ने बिल्कुल ही मना कर दिया खाने से। तो मेरे दिमाग में आया एक खुराफाती आइडिया, क्योंकि मैं भी उनकी मम्मी हूँ, तोरी की सब्ज़ी तो मैं उनको खिलाकर ही रहूँगी। मैंने उनको बनाकर दी मैगी, और मैगी के अंदर मैंने ये तोरी घुसा दी, और ये तोरी वाली मैगी इतनी ज़बरदस्त बनी कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी नहीं पहचान पाए कि इसमें तोरी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये राज की बात, कि मैगी को भी आप कैसे हेल्दी वर्जन बना सकते हो, जिससे बच्चे भी खुश और उनकी मम्मी भी खुश। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी तोरी की सब्जी ली है, जो हम रेगुलर घर में बनाते हैं, और साथ में लिया है मैगी का पैकेट, और इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे एक हेल्दी एंड यूनिक कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है, तो इस तोरी की सब्जी को हम एक मिक्सर जार में डालकर चर्न कर लेंगे। भाई बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए ना कि इसमें तोरी है, तो इसे हम अच्छे से चर्न कर लेंगे और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये अच्छे से स्मूथ हो गया है मिक्सचर, ये देखिए इसमें अब सब्जी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो इसे वापस से मैं पलट देती हूँ उसी कटोरी में। और यहाँ पर अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, और थोड़ा इसे गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे हम थोड़े से चॉप्ड अनियंस, और इसे थोड़ा सॉटे कर लेंगे। इसे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन हल्का सा निकल जाए, ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, बस इतना ही कुक करना है। अब देखिए अनियन हमारे ट्रांसल्यूसेंट हो गए हैं, अब इसी टाइम पर हम इसमें डाल देंगे ग्रीन कैप्सिकम, और इसे भी हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, और साथ ही में डाल देंगे चॉप टमाटोज। इन सब्जियों को भी हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इसको हल्का सा सॉटे करना है ताकि इसका कच्चापन थोड़ा निकल जाए। मैगी में थोड़ी क्रंची वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। तो अब इसी टाइम पर हमने जो तोरी की प्यूरी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। तोरी डालने का एक फ़ायदा ये भी है, क्योंकि तोरी में अपना वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो हम इस तोरी के जूसेस में ही इस मैगी को पकाएंगे। और अब बारी आती है इसमें मैगी डालने की, तो यहाँ पर मैं मैगी मसाला ले रही हूँ, वो डाल देते हैं इसमें, और साथ में ले रही हूँ दो पैकेट मैगी के। तो यहाँ पर मैंने दो पैकेट मैगी के लिए हैं, और ये दूसरा पैकेट, और साथ में इसका मसाला भी डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और इसमें डाल देंगे एक कटोरी पानी। तो एक कटोरी मैंने सब्जी ली थी, तो एक कटोरी इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और इसे बीच बीच में हम थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे, और लिड लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए हमारी मैगी बिल्कुल तैयार हो गई है, कितनी कलरफुल और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। कोई कह सकता है कि इसमें तोरी की सब्जी हमने डाली थी। चलो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती गार्निश के लिए, और इसे अब सर्व कर देते हैं एक अच्छे से बॉल में। तो हमारी सुपर यमी, सुपर हेल्दी मैगी इज एब्सोल्युटली रेडी टू सर्व। तो लग रही है ना मेरी तोरी वाली मैगी एकदम ज़बरदस्त, और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि इसमें हमने तोरी यूज़ की है। आप भी अपने घर में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आपने अपने बच्चों को खुश किया या नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन से आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय।